Morning children, today we will discuss about the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. राख जिसके द्वारा पेड़ फलते और फूलते हैं. Once there lived an old couple, एक बार एक बूढ़ा जोड़ा रहता था. They had a pet dog, उनका एक पालतू कुत्ता था. They had no child, उनका कोई बच्चा नहीं था. They loved the dog as if it were a baby, वो कुत्ते से ऐसा स्नेह करते थे जैसे कि वो एक बच्चा हो. The dog was called Mukko. कुत्ते का नाम मुक्को था. The kind old couple fed the dog with their own forks. वो जो दयालु जोड़ा होता है वो कुत्ते को अपने ही चमचों और अपने ही बर्तनों से खाना खिलाया करते थे. In return बदले में the dog also loved them much. कुत्ता भी उनसे बहुत स्नेह करता था. The old man was a farmer. बूढ़ा आदमी किसान था. Every morning Mukko followed him to his fields. मुक्को जो है प्रत्येक सुबह उसका अनुसरण करते हुए खेतों में जाता था. A heron walked in the footsteps of the old man to pick up worms. एक सारस जो है वो बूढ़े आदमी के कदमों के साथ चलता था ताकि वो कीड़ों को उठा सके. Like his master, अपने मालिक की तरह the dog also never harmed the bird. वो कभी भी चिड़ियाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता था. One day, एक दिन the dog put his paws against the old man's leg. कुत्ते ने अपने पंजे दूसरी तरफ कर दिए अपने मालिक के पाँव के खिलाफ, यानी वो दूसरी दिशा को चल दिया. He motioned with his head to some spot behind, और उसने दिखाया अपने सिर से एक स्थान को जो पीछे था. To please his pet, the old man followed him. अपने पालतू को खुश करने के लिए बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है. At a little distance, कुछ दूरी पर, from there, वहाँ से, the dog stopped, कुत्ता रुकता है. It started scratching the ground, और उसने जमीन को खोदना शुरू किया. To help his pet, अपने पालतू की सहायता करने के लिए the old man stuck his hoe in the earth. बूढ़ा आदमी अपनी कुदाल को जमीन में गाड़ता है. Now there was a pile of gold before him. अब वहाँ पे एक सोने का ढेर होता है उसके सामने. So the old couple became rich. तो इस प्रकार से बूढ़ा जो जोड़ा होता है वो अमीर हो जाता है. They gave a feast to their friends and helped their poor neighbors. उन्होंने जो है एक भोजन दिया अपने दोस्तों को, यानी कि भोजन पर निमंत्रण दिया. एंड हेल्प देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनकी सहायता की. इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. एक जो है बेईमान बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे. दे ब्रॉट द डॉग इन टू द गार्डन, वे कुत्ते को अपने बगीचे में लाते हैं. दे सेट बिफोर हिम गुड फूड, उसके सामने अच्छा भोजन रखते हैं. पर द डॉग वाज अफ्रेड, लेकिन कुत्ता जो है भयभीत होता है. इन नाइदर एट नॉर मूव, ना तो उसने खाना खाया ना ही वो वहां से हिला. दे ड्रैग द डॉग आउट ऑफ डोर्स, वो खींच के कुत्ते को बाहर लाते हैं. दे वॉक विद हिम, वो उसके साथ चलते हैं. व्हेन दे रीच अ पाइन ट्री, जब वो एक देवदार के पेड़ के सामने पहुंचते हैं, द डॉग बिगेन टू स्क्रैच द ग्राउंड, कुत्ते ने जो है जमीन को खुरचना शुरू किया. द विक्ड कपल वॉज डिलाइटेड, जो बेईमान जोड़ा था वो खुश हो जाता है. Both of them dug the ground, दोनों ने जमीन को खोदा. When they got, what they got was a dead kitten, और जो उनको मिला वो थी एक मृत बिल्ली का बच्चा. The couple was very angry, और जो जोड़ा था वो बहुत गुस्सा होता है. They killed the dog, उन्होंने कुत्ते को मार डाला. Then they flung him into the hole they had dug, और फिर उन्होंने उछालते हुए उसको उस गड्ढे में फेंक दिया जो उनने खोदा था. They heaped the earth, और उस धरती को जो है मिट्टी से ढेर बना दिया. Over his carcasses, उसकी मृत शरीर के ऊपर. The incident of the dog's death reached the ears of its owner. जो घटना है कुत्ते की मौत की वो उसके मालिक के कानों तक पहुंचती है. He felt so sad, उसको इतना बुरा लगा, that as if he had lost his own, जैसे कि उसने अपना स्वयं का बेटा खो दिया. He went to the place where his pet had been buried. वो उस स्थान पे जाता है जहां पे उसका कुत्ता जो है दफनाया गया था. He mourned for a long time, वहाँ पे बहुत देर तक शोक करता है. He called him many dear names as if he were alive. उसने उसको बहुत सारे प्यारे नामों से पुकारा जैसे कि वो जिंदा हो. That night he saw his dog in his dreams. उस रात को उन्होंने कुत्ते को अपने सपने में देखा. The dog asked him to cut the pine tree. कुत्ता उससे कहता है कि वो देवदार के पेड़ को काटे. And make from it a motor. उससे एक मोटर बनाए. He also asked him to make from that wood a mill. और वो ये भी कहता है उसे कि वो उस लकड़ी से एक मिल भी बनाए. द ओल्ड मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, बूढ़े आदमी ने वही किया जैसे कि उसको कहा गया. विद मच लेबर, बहुत सारे प्रयत्न के साथ, मेहनत के साथ, ही मेड ए स्मॉल बॉल ऑफ वुड, उसने एक
कटोरा टाइप जो है लंबा सा लकड़ी का बनाए, यानी कि उसको खुरेज करके उसमें जगह बनाए लकड़ी पर। देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और फिर उसने एक लंबा सा हैंडल वाला हथौड़ा बनाया लकड़ी का। व्हेन द न्यू ईयर ड्रू नियर, जैसे ही नया साल नजदीक आ रहा था, ही डिसाइडेड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने निश्चय किया कि वो चावल की पेस्ट्री बनाएगा। देन दे पुट द बॉइल्ड राइस इन द वुडन मोटर, उन्हें जो उबला हुआ चावल था उस लकड़ी की मोटर के अंदर रखा। द ओल्ड मैन यूज द वुडन हैमर टू पाउंड द मास इन टू डो, बूढ़े आदमी ने उस लकड़ी के हथौड़े को यूज करा उस उबले हुए चावल को कुचलने में, ठीक है, ताकि वो एक डू बन सके, एक गोला बन सके उसका, पिस सके यानी वो। व्हेन द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग, जब पेस्ट्री तैयार हो गई थी सेकने के लिए, इट टर्न इंटू अ मास ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये बदल गया सोने के सिक्कों के ढेर में। द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, बूढ़ी औरत ने जो है हाथ की जो मिल होती है जो बनाई थी उसने उसको लिया, एंड फिलिंग इट विद द बीन सॉस, और उसको अंदर जो है बीन का सॉस डाला ताकि उसको ग्राइंड कर सके, बिगेन टू ग्राइंड, और उसको पीसना शुरू किया। गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और उससे उस मिल से, हैंड मिल से जैसे सोने की बरसात हो गई। एट दिस मोमेंट इस क्षण पर द इनवियस नेबर पीप इनटू द विंडो, जो वो ईर्ष्यालु पड़ोसी था वो झांक रहा था खिड़की से, एंड ही डिसाइडेड टू बोर द मिल, और उसने निश्चय किया कि उस मिल को, यानी कि जो बूढ़े दयालु बूढ़े आदमी ने बनाई थी, उसको उधार लेगा। ओल्ड कपल रेडिली गेव देयर मिल टू द नेबर, और बूढ़े जोड़े ने बहुत इच्छा से जो है अपनी मिल को अपने पड़ोसी को दे दिया। द मैन बिगेन टू पाउंड द राइस एंड द वुमेन बिगेन टू ग्रीन, आदमी ने जो है चावल को कुचलना शुरू किया और औरत ने जो है पीसना शुरू किया। हाउएवर दिस टाइम द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इन टू वर्म्स, इस समय जो पेस्ट्री थी और जो सॉस थी वह कीड़ों में बदल गई। दे ब्रॉक द मिल इन टू पीसेस, उन्हें मिल को जो है टुकड़ों में बांट दिया है, एंड टू यूज इट एज फायर, तो उसका प्रयोग किया आग जलाने के लिए। द गोल्ड ओल्ड मैन हैड अनदर ड्रीम, फिर उस बूढ़े अच्छे आदमी को एक और सपना आता है। द स्पिरिट ऑफ द पेट डॉग टोल्ड हिम टू टेक द एसेस ऑफ द मिल एंड स्प्रेड इट ऑन द विदर्ड पाइन ट्री, द जो आत्मा होती है उस पालतू कुत्ते की, वो बताती है कि उस बूढ़े आदमी को कि वो उस राख को ले उस मिल की, एंड स्प्रेड इट ऑन द विदर्ड पाइन ट्री, और इसको फैलाया किसके ऊपर, एक मुरझाए हुए देवदार के पेड़ के ऊपर। ही अश्योर्ड हिम दैट दे वुड ब्लूम अगेन, उसने निश्चित कराया उसको कि वो जो पेड़ है वो फिर से फलना फूलना शुरू कर देगा। द ओल्ड मैन ब्रॉट सम एशेस ऑफ द मिल, जो बूढ़ा आदमी है वो कुछ राख लेके आते हैं उस लेके आता है उस मिल की। ही स्प्रेड अ पिंच ऑफ इट ऑन द चेरी ट्री, उसने एक चुटकी जो है इसकी एक चेरी पेड़ के ऊपर गिराई। द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम, और जो पेड़ होता है वो फलना फूलना शुरू कर देता है। द ग्रीडी विट कपल गैदर द रिमेनिंग एशेस ऑफ द वुड मिल, और जो वो लालची बेईमान जोड़ा होता है वो इकट्ठा कर देता है सारी बाकी बची हुई राख को उस वुडन मिल की, लकड़ी की मिल की। द वेल्दी लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज वॉज टू पास बाय दैट रोड, एक अमीर जमींदार को गांव के उस दिन उस रोड से गुजरना था। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रीति रिवाजों के अनुसार, ऑल द पीपल हैड टू शट अप देयर हाई विंडो, कि सब लोगों को उस दिन अपनी ऊपर की खिड़कियों को बंद कर देना था। नोबडी वॉज अलाउड टू लुक डाउन ऑन द लॉर्डशिप, और किसी को आज्ञा नहीं थी कि वो नीचे अपने मालिक को देखे। दे ऑल्सो नेल्ट अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज अंटिल द प्रोसेशन पास बाय, उनको अपने घुटनों के बल और हाथों के बल जो है झुक जाना था जब तक कि वो जो जुलूस है वहां से ना गुजरे। अ टॉल मैन मार्च्ड अहेड आस्किंग द पीपल टू गेट डाउन ऑन द नीज, एक बड़ा सा लंबा आदमी आगे आगे चल रहा था उस मार्च, मतलब उस जुलूस से, लोगों को कहते हुए कि वो अपनी घुटनों के बल नीचे झुक जाए। बट द गुड ओल्ड मैन डिड नॉट नील डाउन, लेकिन अच्छा बूढ़ा आदमी नीचे नहीं झुकता है। इंस्टीट ऑफ इट, बजाय इसके, ही स्कैटर्ड अ बिट ऑफ एशेस ओवर अ विदर्ड चेरी ट्री, उसने एक थोड़ा सा राख जो है फैलाया एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ के ऊपर, और सडनली बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और यो फूट पड़ा कि इसमें फलों और फूलों के साथ में। द लैंडलॉर्ड गॉट आउट टू सी द वंडर, और जो जमींदार था वो बाहर आता इस आश्चर्य को देखने के लिए। ही थैंक द मैन, उसने आदमी का धन्यवाद किया, ऑफर इन प्रेजेंस, उसको कुछ उपहार दिए, एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द कैस्टल, उसको महल में आने के लिए निमंत्रण दे दिया।
When the greedy never heard of it, जैसे ही उस लालची पड़ोसी ने यह सुना, he also took the magic ashes of to the highway. उस हाईवे पे जिस पे वो जुलूस जा रहा था, उस जादुई राह को वहां लेके जाता है. He waited until the landlord train came along. उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि उस जमींदार की जो ट्रेन है वो वहां पे नहीं आती है. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, बजाय कि औरों की तरह भीड़ की तरह वो अपने घुटनों के बल झुके, ही क्लेम्ड विदर्ड, ही क्लाइम्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया. एक क्लाइम्ड है, क्लेम्ड नहीं क्लाइम्ड है. व्हेन द लैंडलॉर्ड डायरेक्टली केम अंडर हिम, जैसे ही जो जमींदार था या वो बिल्कुल उस पेड़ के नीचे आया, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर हिम, उसने एक मुट्ठी भर राख की उसके ऊपर फेंकी, पेड़ के ऊपर जनरली वो फेंक रहा था. बट द ट्री शोड नो चेंज, लेकिन पेड़ ने कोई बदलाव नहीं देखा, मतलब दिखाया. द डस्ट रादर ब्लू इनटू द नोज एंड द आईज ऑफ द लॉर्डशिप, जो जो राख थी उसकी धूल जो है वो बजाय की उस पेड़ को बदले, उसने उस लॉर्डशिप यानी मालिक के आंखों और नाक में घुस गया, यानी कि जो वो धूल है वो उस मालिक के जमींदार के आंखों में और नाक में चला गया. द मैन हु वाज स्कॉटिंग द लॉर्ड रेड, और जो पहरा दे रहा था उस अपने लॉर्ड का, अपने जमींदार का, वो खींचता है उस लालची आदमी को फ्रॉम द ट्री पेड़ से एंड थ्रू हिम इन टू द डिच, और उसको एक गड्ढे में फेंक देता है. ही ऑल्सो बीट हिम साउंडली, और बहुत बुरी तरह से उसको मारता भी है वो. The greedy man thus died in the mud. इस प्रकार से लालची आदमी जो है वो मिट्टी में मर जाता है. The kind owner of the mule, और जो बहुत दयालु मालिक था उस mule का, वो lived happily to a green old age, और बहुत खुशी खुशी वो अपने बहुत बुढ़ापेपन में, green old age उस एज को बोलते हैं जो बहुत बुढ़ापन होता है, तो उस बूढ़ेपन, उस बुढ़ापे में वो बहुत अच्छी तरह से जिए. So this was the story. I hope you must have understood it. Thank you.